राजस्थान के छोटे से कस्बे सरदार शहर में श्री बुद्धमल जी छाजेड़ के घर माता केसर देवी की कुक्षी से 25 दिसंबर 1932 को जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया मालचंद। उनके दो भाई व तीन बहनें थीं। बचपन में उनका अधिकांश समय ननिहाल में बीता। इस प्रकार छाजेड़ व दुग्गड़ परिवारों के द्वारा उनमें शिक्षा व संस्कारों का बीजारोपण हुआ। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। उस जमाने में मैट्रिक पास करना आज की एमबीए की डिग्री से कम नहीं था। उनकी फ्लुएंट इंग्लिश से तो सभी प्रभावित थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्री मोतीलाल जी बरड़िया की सुपुत्री श्रीमती सोहिनी देवी के साथ हुआ, जिन्होंने एक आदर्श गृह लक्ष्मी बनकर हमेशा कदम से कदम मिलाकर उनका साथ निभाया। वे हमेशा से ही शौकीन व जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी थे। चेस, क्रिकेट व कैरम में वे माहिर थे। कैरम में तो वे 9 की 9 गोटियां क्वीन सहित एक स्ट्रोक में निकाल लेते थे। वे यारों के यार थे। हर संडे दोस्तों के साथ ताश खेलने का उन्हें बहुत उत्साह रहता था। वे हमेशा समय से एक कदम आगे की सोच रखते थे। मात्र 21 साल की उम्र में ही उन्होंने सन 1953 में अपने मार्गदर्शन में सरदार शहर में छाजेड़ परिवार की हवेली का निर्माण करवाया। वे राजनीति में भी पूरी रुचि रखते थे। 1962 में वे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में विधानसभा इलेक्शन में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्री चंदन मल जी बैद के विरुद्ध खड़े हुए और सिर्फ 450 वोट्स का ही अंतर रहा, पर वो घटना उनके बुलंद हौसलों व मजबूत इरादों को परास्त ना कर सकी। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के तहत अपनी जन्मभूमि सरदार शहर से कर्मभूमि मुंबई शिफ्ट होने का साहसिक निर्णय लिया। मुंबई में अपना व्यापार स्थापित किया व 28 साल की उम्र में कालबा देवी में 6 फ्लोर की बिल्डिंग खरीदी, जो छाजेड़ बिल्डिंग के नाम से जानी गई। हमेशा वेल ड्रेस्ड रहना तो उनकी आदत थी। कड़क सफेद धोती कुर्ता, जैकेट व सफेद चप्पल उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। स्विमिंग सीखना उनके निराले अंदाज को दर्शाता है। समय गतिमान था। वे अपने व्यापार व परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से निभा रहे थे। सन 1967 उनके जीवन में बड़ा संघर्षमय रहा। वे काफी अस्वस्थ हो गए। इन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने मनोबल व आत्मविश्वास का परिचय दिया। वे अपने परिवार के साथ अहमदाबाद आ गए और यहां से शुरुआत हुई एक नए सफर की। वे हमेशा मानते थे कि उनके बच्चे ही उनके नेट एसेट्स हैं, इसीलिए उन्हें तैयार करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई। उस जमाने में भी उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस दिया। सही समय पर उचित निर्णय लेना उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। अतः अपने बड़े पुत्रों को एसएससी में डिस्टिंक्शन से पास होने पर भी उसी दोपहर अपने ऑफिस ज्वाइन करवा दिया, ताकि वे बिजनेस को बारीकी से समझें और निडरता के साथ आगे बढ़ें। वे पावरलूम टेक्सटाइल सेक्टर में ट्रेंड सेटर व पायनियर थे। उस समय में वे सुपीरियर क्वालिटी गुड्स बनाने व एक्सपोर्ट करने वाले प्रथम व्यवसायियों में से एक थे। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन। उस समय करीब 1956 में भी वे कपड़े का परमिट खरीदने के लिए चार्टर फ्लाइट से कोलकाता से गुवाहाटी जाते थे। वे प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के थे। ही ट्रीटेड हिज कस्टमर्स लाइक प्री प्रॉफिट शेयर्ड पार्टनर्स। अपने अदम्य साहस और बुद्धि कौशल के बल पर उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ ही समय में अपने बिजनेस को स्टार एक्सपोर्ट हाउस बना दिया। समाज की रूढ़िवादी सोच को उन्होंने अपने सिद्धांतों पर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की और बच्चों को भी यही संस्कार दिए। कभी रुको नहीं, कभी झुको नहीं और अपने लक्ष्य से कभी हटो नहीं। He always led by example and motivated and encouraged everyone to give back to the society. इसी के परिणाम स्वरूप आज उनके पांचों ही बेटे और सभी पोते अपने अपने फील्ड्स में सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। वे हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के समर्थक रहे
उन्होंने अपनी सभी बहुओं, बेटियों, पोतियों, दोहितियों को लाइफ के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। ट्विंस प्रपौत्र और प्रपौत्री के जन्म पर स्वर्ण सीढ़ी आरोहण उनके जीवन का एक और माइलस्टोन बना। वे अपने सभी सगे संबंधियों को विशेष मान सम्मान देते थे और उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। उनका जजमेंट इतना सटीक व फेयर होता कि उनकी राय को हमेशा प्रधानता दी जाती थी। अब वे अपने जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां उन्होंने परिवार, बिजनेस व सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी पूर्ण किया। उनके राजनैतिक संपर्क काफी विस्तृत थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री नरेंद्र मोदी आदि के साथ उनके क्लोज टर्म्स थे। He was a philanthropist. वे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक सभा संस्थाओं से जुड़े और तन मन धन से अपना योगदान दिया। वे तेरा पंथ सेवा समिति के फाउंडिंग पिलर थे। देव गुरु व धर्म के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी और तेरा पंथ धर्म संघ के सभी आचार्यों की उन पर व उनके परिवार पर विशिष्ट कृपा दृष्टि रही। गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो उन्हें माल जी कहकर ही बुलाते थे। जीवन के 6 दशक पार करने के बाद अपने सांसारिक दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाकर वे आध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। इसी दौरान माउंट आबू में वे संत अमिताभ के संपर्क में आए और उनकी प्रभावशाली विचारधाराओं को अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए माउंट आबू में नियति फार्म्स बनाया जो आगे की पीढ़ी के लिए धरोहर बन गया। जीवन के हर पड़ाव पर उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सोहिनी देवी उनकी छाया बनकर साथ चली, उनको हर समय सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर जॉइंट फैमिली की नींव रखी और अपने 14 पोते पोतियों, दोहिते दोहितियों में मॉडर्न अप्रोच के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज का भी सिंचन किया। नियति का इतना ही योग था। सन 2017 में उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। तब 85 साल की अवस्था में भी उस परिवर्तन को स्वीकार कर उन्होंने माता व पिता दोनों की भूमिका का निर्वहन उतनी ही कुशलता से किया। पिछले साल दिसंबर 2019 में उनके 18 ग्रेट ग्रैंड किड्स, जिन्हें वे अपने 18 डायमंड्स मानते थे, ने उनकी एक एक खूबी बताते हुए उनकी किंग साइज लाइफ को फेलिसिटेट किया। काल जयी व्यक्तित्व था उनका। अनेक बार ऐसे क्षण आए जब हम लोग हार मान बैठते, पर उनके स्ट्रॉन्ग विल पावर और सेल्फ बिलीफ के कारण वे हमेशा विजयी बनते गए। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपने संजोए थे, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए, उन्हें परिपूर्ण करने के बाद ही वे पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपना नया सफर शुरू करना चाहते थे और ऐसा ही उन्होंने किया। उनकी मृत्यु भी महोत्सव बन गई। His pious soul left his body with utmost peace and serenity to attain salvation. इन कठिन पलों में भी ऐसे विरल व्यक्तित्व की इस अद्भुत जीवन यात्रा को सम्मानित करते हुए उनके पुत्रों व परिवार ने अंतिम विदाई रॉयल सल्यूट के साथ दी। Father!